सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू GRS टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपको WhatsApp के कुछ पुराने मैसेजेस को डिलीट करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, WhatsApp में आप सभी ने देखा होगा डिलीट फॉर एवरीवन का एक ऑप्शन होता है, जिसे आप मात्र 1 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो आपको शो नहीं करता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि WhatsApp का पुराना से पुराना मैसेजेस आप चुटकियों में डिलीट कर सकते हो। तो चलो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमको WhatsApp को ओपन कर लेना होगा। जैसे ही हम WhatsApp को ओपन कर लेते हैं, आपके सामने ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। और अभी हम यहाँ पे चाहेंगे कि WhatsApp के हम पुराने से पुराने मैसेजेस को डिलीट कर दें, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको चूज़ कर लेना होगा कि हमको किसके जो मैसेज है वो डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने हेलो लिखा है उस मैसेज को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे देखना होगा कि वो जो मैसेज जो है वो हमने कौन सी डेट को भेजा है। तो ये जो मैसेज है मैंने 3 जून को भेजा है, और आज आप देख सकते हो आज है 6 जून। तो ये मैसेज जो है वो मैंने 3 दिन पहले भेजा था, और ये जो मैसेज है मैंने 6:54 पर शाम को भेजा है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे मैसेज को अगर डिलीट करना है तो सबसे पहले हम सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद हमको चले जाना है यहाँ पे मोर सेटिंग में। मोर सेटिंग में चले जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम का एक आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो डेट है वो हम सेट कर देंगे जिस तारीख को हमने मैसेज को भेजा था, यानी कि जो मैसेज है मैंने 3 जून को भेजा है तो मैं यहाँ पर 3 जून कर लूँगी, और जो टाइमिंग है मैं यहाँ पर कर लूँगी। पे आप देख सकते हैं 1854 में मैंने भेजा है, तो यहाँ पे भी टाइमिंग हम यहाँ पे वही कर लेंगे। हम यहाँ पे टाइमिंग 1855 कर लेते हैं, ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमको यहाँ पर इस तरीके से आ जाना है, और अभी इस टाइम पे जो है हमको चले जाना है सिंपली WhatsApp में। WhatsApp में चले जाने के बाद हमको यहाँ पे अपने इंटरनेट को जो है वो इस तरीके से रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने अपने इंटरनेट को ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे बंद है। अभी सिंपली हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हम सिंपली इस पर WhatsApp पे क्लिक करेंगे। WhatsApp पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद उस मैसेज पर हम टैप करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट फॉर एवरीवन का एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, तो सिंपली डिलीट फॉर एवरीवन क्लिक कर देंगे। और अब हम बैक में आ जाएंगे। अभी इंटरनेट को हमको ऑन कर देना है, और ये जो WhatsApp है इसको हम लोग 1 सेकंड के लिए गायब करेंगे। फिर हमको यहाँ पे WhatsApp को न्यूली ओपन करना है, और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैसेज जो है वो आपको यहाँ पे डिलीट शो हो रहा होगा, यानी कि जो मैसेज जो है वो परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जा चुका है। हमने यहाँ पे अपनी इंटरनेट को भी ऑन कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पे ऑन है, और ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। और यही टेक्स्ट को अगर आपको दोबारा से अगर भेजना हो तो आपको यहाँ पे रिसेंट का ऑप्शन आ रहा है, रिसेंट मैसेज का, तो आप दोबारा से भेज सकते हैं। तो दोस्तों, बड़े ही ईजिली आप पुराने से पुराने मैसेजेस को बड़े आसानी तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी ट्रिक है। और जैसे ही आपने यहाँ पे अपना सेट कर दिया के मैसेज को डिलीट कर दिया, तो वापस आप यहाँ पे अपने मोबाइल में आकर के टाइम को जो आज का डेट है वो आप कर सकते हैं। तो मैंने अपना डेट और टाइम जो है वो वापस से सही कर लिया है, और इस तरीके से हमारा जो WhatsApp का जो मैसेजेस है बड़ी ही आसानी तरीके से डिलीट हो जाता है। तो आप पुराने से पुराना मैसेजेस को बड़ी ही आसानी तरीके से डिलीट कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।